हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइटन के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको टाइटन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप टाइटन के जो नेट प्रॉफिट, मतलब कितना मुनाफा कंपनी ने कमाया है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है 530 करोड़ का, और जो प्रॉफिट है वो 11.8% YOY बढ़कर हो गया है 530 करोड़। अब 11.8% YOY मतलब पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले 11.8% यहाँ पर मुनाफा बढ़ गया है। तो देखा जाए तो नतीजे यहाँ पर बढ़िया निकल कर आए हैं, और एक तरीके से जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट आए हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 12.22% YOY बढ़कर हो गया है 7,243 करोड़ का। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है और थोड़ा सा ही मतलब उसके कम यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। वैसे वो तो 0.4% का ही फर्क है, लेकिन ये बता रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन परसेंटेज में दिक्कतें हुई हैं। लेकिन देखिए, अभी इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम हो गई है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर, तो उसकी वजह से इसको फायदा हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गोल्ड की और सिल्वर की रेट होगी वो सस्ती हो जाएगी, तो उससे मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो होगा टाइटन को, क्योंकि तो इसका इसमें मार्केट शेयर खासा बढ़िया है, और इसका एक और आई प्लस वाला धंधा भी है इसका, और वॉचेज वाला धंधा भी इसका है ही है। तो देखा जाए तो इसके बिजनेस जो मॉडल है इसका वो बढ़िया लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जिसके जो रिजल्ट अभी निकल कर आए हैं वो भी बढ़िया निकल कर आए हैं। अब ये देखिए, 92 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर का है 91.99, ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर है। और अगर इसका प्राइस टू बुक देखेंगे तो ये सेक्टर के मुकाबले आपको 5 गुना रेटों पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, इसको आप सेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखिए, इसका जो कंपेरिजन है वो ज्वेलरी कंपनी से किया जाता है, लेकिन जो ज्वेलरी की जो कंपनीज है वो ज्वेलरी का ही काम करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टाइटन का एक जो आईवीआर वाला है, मतलब ये आई के जो स्पेक्स होते हैं, सनग्लासेस होते हैं, वो वाला भी इसका काम है। फिर उसके अलावा ये वॉचेस भी बेचता है, फास्ट ट्रैक कंपनी जो कंपनी वो इसके अंडर में ही है। तो देखा जाए तो इसको आप सेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो खुद में कंपनी है ये अपने आप में एक प्रीमियम वैल्यूड कंपनी है। अब इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो नी के बराबर ही है, सिर्फ 0.25% का है, जबकि सेक्टर में 0.69% का है। देखिए, दोनों ही डिविडेंड कम है, 1% से कम सेक्टर में भी है और इसमें भी है, तो डिविडेंड ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब इसका मार्केट कैप देखिए, 1,38,485 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और 27th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो। आपको पता होना चाहिए कि इसका 5 या 6% तो राकेश झुंझुनू वाला जो इंडिया के बिग बुल है वही होल्ड करते हैं। अब ये देखिए आप, लगातार इसके रेवेन्यू देखिए, जिस तरीके से इसके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है, और जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी पिछले 4 साल से लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ इस बिजनेस में देखने को मिली है। तो देखा जाए तो टाइटन लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और ये परफॉर्मेंस इसने अभी भी जारी रखा है। अब ये देखिए, 1535 पे ये शेयर अभी चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1621 रुपये का, मतलब लगभग देखा जाए तो आपको 85 रुपीज़ ये शेयर अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। अब 85 यानी कि लगभग ये शेयर आपको 5 से 6% ये अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे है। लेकिन देखिए, अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट गिरता है तो मेरे ख्याल से लगभग टाइटन भी जब 1400 रुपये तक आ सकता है। तो देखिए, मेरे ख्याल से आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको टाइटन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो मेरे ख्याल से आप इस प्राइस पर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिएगा। मतलब अगर अभी आप सपोज लेना 10 शेयर लेना चाहते हैं तो 1 अभी लीजिए, बाद में 2-3 लीजिए, फिर उसके बाद में 2-3 लीजिए, ऐसे करके पैसे डालिएगा।
अब अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है टाइटन के अंदर, अगर आपने पहले से पैसा डाल रखा है 1000 रुपये के लगभग ये शेयर पहले से ले रखा है, तो आप इसमें बने रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी के नतीजे एकदम बढ़िया आए हैं, कंपनी में लगातार एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये इतना बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ये अभी प्रेफर नहीं करूँगा। तो देखिए, मैं आपको कभी भी रिजल्ट के बेसिस पर शेयर को लेने को नहीं बोलता हूँ। अगर आप ले रहे हैं तो वो आप अपने खुद के रिस्क के ऊपर ले रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये मेरा खुद का ओपिनियन था। अगर आपको एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें, फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।